Hello everyone, welcome to our channel Max with Manya. So today we are going to discuss exercise 2.1 जो हमने lecture number 1 में पढ़ा था उसी की type के question से exercise 2.1 तो हम exercise 2.1 discuss कर लेते हैं जिससे साथ के साथ हमारी NCERT भी cover हो जाए, ठीक है। तो question में दे रखा था y is equal to px के आपको graph दे रखे है, find the number of zeros, ठीक है। तो p क्या है, x है, तो हमने बोला था जिसमें जो कौन सा variable होगा p के अंदर तो उसी पे उसी के एक्सिस पे आपको देखना है कि कर्व कितनी बारी कट कर रहा है। तो देखो इसमें एक्स एक्सिस तो एकदम खाली है, एकदम कुछ भी नहीं है, उस पर कोई चीज कट नहीं कर रही। ऐसा हमने केस डिस्कस करा था पिछले टाइम भी, पिछले लेक्चर में भी। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो, ठीक है, क्योंकि कोई कर्व इसको कट कर ही नहीं रहा। फिर सेकंड में देखो कर्व कितनी बार कट कर रही है, ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार ही कट कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन, ठीक है। अब जो ये थर्ड ग्राफ है आप इसमें देखो कि कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कर्व कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, सिंपल फंडा। ये 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 तो कितने बार कर रहा है इंटरसेक्ट या कट, थ्री टाइम्स। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, थ्री हो गए, ठीक है ना। हाँ, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है देखो ये है, तो इसको एक्स एक्सिस कितनी बार कर्व कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक, और ये दो, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, दो। फिर फिफ्थ पे देखो आप कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दो तीन चार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, चार। अब आप देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कितनी बार, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी कितनी बार कर रहा है, एक दो तीन, तो कितनी बार, कितने हो इसके नंबर ऑफ जीरोस, थ्री, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। और इस एक्सरसाइज में जो हमने फंडा सीखा वो क्या था कि जितनी बार कर्व कट करेगा पी के अंदर वाले वेरिएबल की एक्सिस को उतनी बार उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखो दो मिनट से तीन मिनट से कम टाइम में भी हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, तो फंडा आना चाहिए। बस हम फंडा सीखेंगे और हम सारे क्वेश्चंस निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर की आप राह देखिए, हम अगला लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए जल्दी से जल्दी आ सके। हम पूरा टेंथ का कोर्स डालने की कोशिश करेंगे जितने से जल्दी हो सके, जिससे बच्चे कोर्स पढ़ सके और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। और कोर्स भी कुछ इतना ज़्यादा कम तो हुआ नहीं है, हाँ। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एज वी हैव कमिटेड टू आवर न्यू वीडियोस एवरी डे। थैंक यू।